हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मन सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं। भाई आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। भाई आप लोग वीडियो के अंत तक रुके रहिएगा, भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिनका एग्ज़ाम अभी 31 को है, ठीक है। क्योंकि भाई आज का लेवल जो था ना भाई, दिल खुश कर दिया था यार, ठीक है। भाई मेरे कितने सही हों ये मायने नहीं रखता, पर भाई दिल खुश कर दिया था। और जो मैंने बताया था मेरे वीडियो में जाके पिछले, देख लो, सब लोग कमेंट कर रहे थे ना कि लेवल हार्ड आएगा, ये आएगा ना, मैंने कहा था ना लेवल वही रहेगा। भाई आप लोग जाके देख सकते हो पीछे वीडियो में, ठीक है। भाई स्टार्ट करते हैं भाई मेरा एग्ज़ाम रिव्यू। मैं अपना एग्ज़ाम रिव्यू आज आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। और क्या रहा मेरा स्कोर और मैंने किस सेक्शन में कितना स्कोर किया और मेरी ये एग्ज़ाम जर्नी कैसी थी, मैं कैसे कैसे वहाँ पहुँचा, ये सब हर चीज़ भाई आपसे साथ में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें मेरा एग्ज़ाम था। आप लोग ये देख सकते हो भाई, आज ही का पेपर है और ये देख सकते हो मेरा नाम, ये देख सकते हो भाई मेरा नाम है अमन सिंह, ठीक है। और दोस्तों इस वाले एग्ज़ाम पेपर में भाई क्या ही बताएं यार, GS अल्ट्रा लेवल की थी। मीन्स उसमें अगर आपको आ रहे होते तो आप लोग भाई 22 से 25 क्वेश्चन कर ले जाते, पर मेरा कम ही सही हुआ है यार। और मैथ्स भाई इतने आसान थे, इतने ईजी थे, थोड़ा सा भी दिमाग होता केवल 25 में एक छोड़ते 24 कर ले जाते। मैंने 23 किए थे, 22 सही हैं, एक गलत हो गया भाई, सिली मिस्टेक मुझसे हो गई, ठीक। और रीजनिंग की बात करें भाई, ऐसी कि इतनी आसान थी कि क्या ही बताएं यार। रीजनिंग भाई इतना आसान थी, मुझे भाई जब देखा ना तो भाई 15 मिनट में भाई 35 क्वेश्चन कर ले गया था यार, 15 मिनट 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। हम बोले यार क्या ही बना दिया पेपर, साथ खिलवाड़ कर दिया क्या भाई। एग्ज़ाम मेरा जो है जानते हो, 25 मिनट पहले मैं कल के बैठ गया था, गोला वोला भर के बैठ गया था। और ऑल ओवर बता दूं मैं कितना अटैम्प्ट किया हूँ, 132 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। और आगे बताता हूँ एनालिसिस में मेरा फाइनल स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हिंदी की लेवल भाई थोड़ा सा और शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा सा लेवल अप किए थे, क्योंकि जो उसमें पैसेज थे उसमें थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पैसेज थे, उसमें आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। और उसके बाद हिंदी में दो क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं और पैसेज क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, और कहीं नहीं गलत हुए मेरे हिंदी। और जीएस भाई मेरी इतनी वीक थी भाई, रोना आ रहा था यार, क्योंकि सबको जीएस आई, मुझे ही जीएस नहीं आई और मुझे ही जीएस लेट डूबी। भाई क्या ही बताएं यार, एग्ज़ाम हाल से जब निकला था ना, मुझे यही लगा था केवल अगर मेरी जीएस सही हो जाए ना तो भाई मेरा आज टॉप स्कोरर रहता मैं आज के शिफ्ट का। पर फिर भी यार नहीं सही हुई जीएस, और वही एवरेज जितने लड़के पा रहे हैं उसी के आसपास मेरा भाई स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे एग्ज़ाम जर्नी भाई बहुत ही अच्छी थी। भाई जाते टाइम एक भैया मिल गए थे, बहुत ज़्यादा हेल्प किए वो अपने, उनका वहाँ पर चित्रकूट में, भाई मेरा एग्ज़ाम चित्रकूट में था, ठीक है। वो वहाँ पर भाई अपने रूम में रुकवाए, क्योंकि वो वहीं के थे, वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बीएड कर रहे हैं वहीं चित्रकूट से, यहीं इलाहाबाद तैयारी करते थे, ज़्यादा टाइम मिल गए थे। वो अपने रूम में मुझे सुलाए, खिलाए पिलाए, सब कुछ किए भाई। और उसके बाद फिर साथ में एग्ज़ाम उसी मेरे ही स्कूल में, तो गोस्वामी तुलसीदास पीजी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज थी, उसमें भाई मेरा एग्ज़ाम था। और जैसे भाई एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, मैं आधे घंटे पहले चला गया था, ठीक है, अंदर। उसके बाद फिर थोड़ा सा वो प्रोसेस जो उनका होता है वो करवाए, उसके बाद फिर ये IMR मिला, फिर ये वाला पेपर मिला, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम करना शुरू किया, और एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया उसके बाद फिर जब हम लोग बाहर निकले थे, कॉलेज का फर्स्ट लड़का मैं ही था जब कॉलेज के बाहर निकला था। और उसमें भाई ये बताया जा रहा था कि एक जो इंस्पेक्शंस मींस जो जांचकर्ता के रूप में नहीं आते हैं, वो आए थे और पूछे, मतलब SP साहब आए थे और पूछे क्या बेटा एग्ज़ाम हो गया। हम भाई इतने खुश थे कि मैंने 132 अटैम्प्ट किए हैं, कम से कम मेरे कटने पिटने के बाद इतने सही हो जाते अप्रॉक्स। मैं इतना खुश था यार, क्या ही बताऊँ कि हाँ सर एकदम फाड़ दिए हैं। बोले वाह बेटा वाह, आप ही निकले हो सबसे पहले और आप ही फाड़ दिए हो। हम के हाँ सर। ऐसे ऐसे भाई मेरे एग्ज़ाम जाने लगे। फिर वापस आते टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी थोड़ा सा आराम रिलैक्स मिला भाई, 2 घंटे जाके आके सोया हूँ, दवा खाया हूँ। फिर आपके सामने भाई मैं सोचा कि आज ही के दिन आपके सामने मैं अपना वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, और आपके लिए भाई ज़रूरी था इसलिए मैं आया हूँ। और हाँ, खास सलाह 31 वालों के लिए भाई, डरना नहीं है, लड़ना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। GS बहुत ज़्यादा ईजी हो रही है, बस थोड़ा सा लेवल कहाँ अप हो रहा है। मैथ्स में कभी डाउन हो जा रहा है, कभी हिंदी में डाउन हो जा रहा है, हिंदी का लेवल अप हो जा रहा है, ये ऐसे दो पैटर्न में यही कर रहे हैं, ठीक है। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। पर आप लोग देख सकते हो सेकंड शिफ्ट उठा के देख लेना, ये 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट उठा के देख लेना भाई, खड़े खड़े भाई मुंहजवानी आप लोग 26 GS कर दोगे यार। इतना हलवा यार कौन पेपर बनाता है यार। एग्ज़ामिनर कहाँ का था भाई, कोई बोला था यार तेलंगाना हैदराबाद का था,
ये ऐसे ऐसे थे भाई। और मैं आपको भाई बता देता हूँ मेरा किस सब्जेक्ट में कितना कितना कैसे गलत हुआ है भाई। मेरे रीजनिंग में एक फिगर काउंट फिगर वाली क्वेश्चन ये वाली गलत हो गई थी, ये वाली ठीक, मैं फिगर नहीं बना पाया था। और उसके बाद फिर ये भाई ये वाला गोला वाला फिगर, ये फिगर था डीआई का, मुझे भाई मुझसे सिली मिस्टेक हो गया था भाई। ये सब क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए थे, फिर भी गलत हो गया था ठीक है। और मैं आपको जीएस में बताता हूँ भाई मेरे जीएस में क्या कैसे गलत हो गए हैं। देखो मुझसे भाई कितना सिली मिस्टेक हुआ है भाई जीएस जीएस भाई स्पेस एक्स कुमार गौरव भाई रटाते रटाते मर गए, फिर भी वो उनका मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो ये किस युद्ध में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, मैंने बक्सर का मारा था पर इसमें सही दिया है पलासी का युद्ध ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे मेरे नॉर्मल क्वेश्चन जीएस गलत हुए थे। और मैं बता दूं कि डैश का अर्थ है कि अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, इसको मैंने हैकिंग माना था क्योंकि भाई बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करोगे तो उसको भाई इसमें ये लोग जो एनालिसिस करवाए हैं यूट्यूब वाले उसमें वेब हाईजैकिंग बता रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से हैकिंग होना चाहिए था पर वो लोग बताएं तो मैंने अपने क्वेश्चन को गलत मान लिया ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क भाई किस जिले में खोला गया, ये क्वेश्चन भाई इतना आसान यूपीएस फसल का इतना रटा था यार वहाँ पे जाके मुझसे गलत, क्योंकि मैंने टिक सही किया था कि प्रयागराज में है फिर वहाँ पे मुझसे गलत एक गोला भाई भरने में मुझसे गलती हो गई। तो उसके लिए भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ईश्वर से कि भाई ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, अब क्या ही किया जाए। और उसके बाद फिर भारत में जीएसटी के जनक, इतना आसान क्वेश्चन भाई मुझसे गलत हो जा रहा था क्या ही बताएं यार। और फिर उसके बाद पूछा गया है कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया यार। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, उत्तर प्रदेश मणिपुर पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा। तो आप लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है फिर से ऑप्शन देता हूँ, उत्तर प्रदेश मणिपुर पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, ये चार स्टेट हैं इनमें बताइए कहाँ स्थित है ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग भाई रीजनिंग आप लोग बना ले जाएंगे, डरने की बात नहीं है, मैथ भी बना ले जाएंगे। और फिर बात करते हैं हिंदी की, हिंदी भाई पैराग्राफ यार मेरी 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पैराग्राफ ही गलत हो गया यार। और उसके बाद एक आसान सा यार विलोम मुझसे गलत हो गया है, मुख दर्शन, मुख का दर्शन होना चाहिए था, मैं मुझे तत्पुरुष मानना चाहिए था पर ये गलत हो गया, मैंने इसको दिग मार दिया क्योंकि बीच में योजक चिन्ह दे दिए थे ये लोग और मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ ये जो क्या है अलंकार, तो ऐसे ही पकड़ा था भाई गड़बड़ हो गया मेरा ठीक है। तो आप लोग ऐसे सिली मिस्टेक मत करिएगा भाई, मैं इसीलिए आपके सामने आया हूँ कि एनालिसिस अच्छे से हो जाए ठीक है। ऑल ओवर मैं अपना स्कोर शेयर कर दूँ दोस्तों, मैंने 132 अटेम्प्ट किए थे और 114 सही हुए हैं, 18 गलत हुए हैं और इसी के आसपास भाई ऐसे थोड़ा सा अब थोड़ा सा मैंने अभी कन्फ्यूज़न में 4-5 क्वेश्चन हैं और भी गलत हो सकते हैं। आप लोग ये मान चलिए कि 105 प्लस है मेरा स्कोर ठीक है, और मुझे लगता है कि 105 या 110 के आसपास फाइनल मेरिट जा सकती है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ठीक है। और आप लोग अपना अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कितना हुआ है, एग्ज़ाम हॉल में कितना आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं ठीक है। दोस्तों वीडियो को अपने जो लोगों पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास शेयर करिएगा ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई वीडियो कैसी लगी और मेरा स्कोर क्या रहा है, कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ठीक है। भाई मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।